फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। तो फिलहाल अभी 7:30 हो चुका है और हम लोग निकल रहे सिक्किम के लिए। और कल का रूम अलग था और आज का रूम यहाँ पे अलग है। हाँ, तो कल सिंगल बेड था और यहाँ पे आज दो बेड हो चुका है। कुछ सिचुएशन के कारण ऐसा करना पड़ गया है और पूरा सामान रेडी है, अभी बस निकलना है। और यहाँ से नज़ारा कुछ अलग है, इस तरह से है। कल का कुछ अलग था और वहाँ मेरा बाइक भी है। फिलहाल तो रेडी हो चुका है, पूरा चेन लुब्रिकेंट सब कुछ कर चुका है और अभी बस निकलने के लिए रेडी। तो फिलहाल बस वही है, ये गेट से चढ़ना कैसे है, यहाँ कुछ रखना है, उसके बाद यहाँ कुछ रखना है, ऐसे करके ही घुसाया था। चलो भैया, आज देवपुर। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलना है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से ऐसे नमना पड़ेगा। तो और अभी मेरा दोस्त का बारी। तो यही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से तो मंगाना पड़ेगा। तो सब कुछ अभी हो चुका है, ब्रेकफास्ट खा चुका है। और अभी ये कौन सा जगह था, जगह का नाम भूल रहा है। फिलहाल दार्जिलिंग ही है। तो यहाँ से अभी जस्ट निकल रहे हैं, अभी टाइम भी बहुत लेट हो चुका है और कितना बजे पहुँचता है वो देखना पड़ेगा। और रास्ता बहुत फिसलन है, दो बार वो टॉय ट्रेन का जो पटरी है वहाँ पर दो बार हम स्लिप खाए हैं। तो अभी यहाँ पे तो वो रास्ता नहीं है तो ठीक होना चाहिए, लेकिन ये भी सीसी रोड है, कंक्रीट का बना हुआ है, तो शायद फिसलन हो सकता है, संभाल के चलाना है। और यहाँ से कितना समय लगेगा होगा, गूगल मैप में 3 घंटा 20 मिनट का रास्ता दिखा रहे, और जब फिजिकली चलता है तो बाइक से जाता है, या वो डिपेंड करता है, कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट भी हो जाता है, वो अपना ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है। ये व्यू दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग है ना, कौन सा है ये पीछे तरफ साइड का है क्या पता नहीं। तो जहाँ धूप निकल रहा है यहाँ पे थोड़ा ठीक लगता है, जहाँ पे धूप नहीं आ रहा है, छाया है, तो वहाँ पे बहुत ठंडा है। तो ग्लोव अभी ये वाला पहना है, अभी तक तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत ठंडा है लेकिन चल जा रहा है। और बाद में ज़्यादा ठंडा लगेगा तो ग्लोव मोटा वाला है मेरे पास यहाँ पे, तो उसको पहन लेगा, दो ग्लोव रहना है, फिर वो मोटा वाला ग्लोव गर्म गर्म हो जाने से काम नहीं करता, फिर ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। जहाँ धूप है सूखा है रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ छाया है वहाँ पर ऐसे भीजा रहता है, स्लिप हो सकता है। ये कारवास है, कारवास सेंटर, पार्किंग जगह नहीं है, थोड़ा कंजेस्टेड है पर भी एडजस्ट कर लेते हैं उन लोग। तो फिलहाल वहाँ टैक्सी ड्राइवर वाला बात कर रहा था कि सिक्किम क्लोज है, टूरिस्ट को आने नहीं दे रहा है कि कोविड का वजह से, तो कोविड ज़्यादा ही बढ़ रहा है इसका कारण से आने नहीं दे रहा है, ऐसे बोल रहा है।
और कोई बोल रहा है कि बंद था अभी खोल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए खोल गया है तो अगर वहाँ घुसने ही नहीं देगा तो फिर जाके भी क्या करेगा वो भी सोचता है, पर चलो घुसने दे भी सकते, जाके देखना बेहतर रहेगा शायद। आया ही है, इसी के लिए आया था इतना दूर से, तो वहाँ नहीं जाके वापस चला जाएगा तो अधूरा रह जाएगा। क्या पता यहाँ दोबारा सिक्किम का राइड होगा कि नहीं होगा, बहुत ख्याल रखना पड़ता है टर्निंग में, स्लिप होने का बहुत चांस है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमेशा साथ है। बहुत ही पीछे रह गया था, यहाँ पे थोड़ा सा रुका है। यही एक लोटा जगह, पार्किंग प्लेस भी अच्छा है, और यहाँ पे कम से कम वो लोग जैसे सेट करते वैसे करेगा तो 20-30 गाड़ी तो घुसा ही देगा उन लोग तो शायद यहाँ पे बहुत सुंदर है, नया नया पुल निकला है तो उनको देख के शायद फोटो खींच रहा होगा। और हम लोग वहाँ ब्रिज पार कर चुका है और कालिंगपोंग उस तरफ चला गया और ये गैंगटॉक का तरफ, तो यहाँ से 49 किलोमीटर कुछ ऐसे 49 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं है ये। हम लोग इसको कम से कम एक घंटा 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए, और फिलहाल अभी तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेगा। और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे नदी है थोड़ा, यहाँ कुछ है जो बहुत सुंदर है। और बाकी सब वहाँ पहुँच के ही फिर मिलते हैं। तो फिलहाल अभी सिक्किम का अंदर एंट्री कर चुका है, तो गैंगटॉक यहाँ से 40 किलोमीटर जो कि गैंगटॉक राजधानी पड़ता है उसका, तो यहाँ से 40 किलोमीटर और होगा। अभी यहाँ से सिक्किम का अंदर हो चुका है हम लोग। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो राइट साइड कहाँ जाता है पता नहीं, ये लेफ्ट से ही दिखा रहा है GPS, तो लेफ्ट दिखा रहा है तो लेफ्ट से जाना पड़ेगा। तो अभी सिक्किम का अंदर घुस गया है, और यहाँ रास्ता में अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो आप लोग को ज़रूर कुछ दिखाएगा, तो फिलहाल अभी के लिए रास्ता पे ध्यान देता है। तो फिलहाल अभी गैंगटॉक पहुंच चुका है, होटल जाकर फ्रेश होकर फिर MG मार्ग जाना पड़ेगा बाइक का परमिट के लिए बात करने। यहाँ पे है
टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और यहाँ से पूछताछ करेगा कि बाइक का परमिट कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है। तो यहाँ फिलहाल अभी अंदर जाते हैं। फिलहाल तो टूरिज्म ऑफिस में पूछा है, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर में पूछ के देखा है, तो वहाँ पे आज नहीं होगा, कल होगा। कल होगा भी तो लेकिन परसों के लिए होगा ऐसे बोल रहे हैं, तो कल का दिन ऐसे बेकार चला जाएगा। तो इसलिए कल का दिन के लिए इस सिक्किम को कवर करने की कोशिश करेगा। ऐसे बेकार में एक दिन लॉस होना भी बहुत लॉस होता है, नुकसान होता है, तो इसीलिए कल का दिन को इस सिक्किम को कवर करेगा। और वेस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम के लिए आपको परमिट नहीं चाहिए गाड़ी का, या फिर टूरिस्ट का परमिट नहीं चाहिए, वहाँ आप घूम सकते हैं बिना परमिट का। तो नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम में आपको नथुला पास ये सब में आपको परमिट का ज़रूरत पड़ जाएगा, तो इसीलिए आप बनाना ज़रूरी है। और खुद का कार नहीं ले जाना है तो खुद का बाइक नहीं ले जाना है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर खुद का बाइक ले जाना है तो बनाना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।